दही और छाछ दोनों ही प्राचीन भारतीय आहार के महत्वपूर्ण अंग है और दोनों ही उत्पादन दूध से होता है। जहां दही को दूध को जमाकर बनाया जाता है, वहीं छाछ मूल रूप से दही से मक्खन निकालने के बाद बचे हुए तरल को कहा जाता है। इन दोनों ही उत्पादों में पोषण तत्वों की समृद्धि होती है, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12, लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ अलग-अलग होते हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कि गर्मियों में दही और छाछ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। लखनऊ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य और डीन प्रोफेसर माखन लाल का कहना है कि छाछ और दही खाने के कई फायदे हैं। दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट में होने वाले संक्रमण और दस्त जैसी समस्याओं से बचाव करते हैं। दही का जो है सेवन, दो चीज़ें हैं। एक तो दही सबको नहीं सूट करती, जिनको नहीं सूट करती वो मट्ठा पिए, और जिनको सूट करती है वो दही खाएं। दही के फायदे भी हैं, दही के नुकसान हैं। दही जो है शरीर में जो होता है क्लेदन करती है, यानी पचने में जो हमारे पोर्स होते हैं, जो शरीर के अंदर चैनल्स होते हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न करती है, जिनको नहीं सूट करती। जिनको सूट करती है वो कहते हैं वो साथ में है, उनको जो है पहले से वो खा रहे हैं तो उनको साथ में है, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं करती। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये रहती है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा निकलता रहता है पसीने के थ्रू उसको बैलेंस किया रहता है। इसलिए छाछ ज़्यादातर हमारे यहाँ गर्मियों में छाछ पीने का प्रचलन है कि, और उस मट्ठे में जीरा डाल करके, वैसे काला नमक और जीरा डाल करके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन किया, आपकी अग्नि जो कमजोर हो गई है, डाइजेशन पावर होगा उसको भी मेंटेन किया रहता है। तो दही भी जब खाने कहते हैं तो उसमें जीरा डाल करके खाने को, और या चीनी जीरा डालकर खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आज जब हम कहते हैं तो त्रिदोष शामक हो गया, वो हल्का हो जाता है और दही भारी होती है, स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करती है, और ये जो छाछ है ये स्रोतों में अवरोध नहीं होगा, इजिली डाइजेस्टिबल है हमारे पेट के लिए, ये समझिए रामबाण है, औषधि है। दही से निकाल के हम मक्खन निकाल देते हैं, जब दही हम मथते हैं, मथने का मतलब कि जब जितने भी मथनी किए तो उसके पार्टिकल्स को हम छोटा कर रहे हैं, उसमें जो है आयनाइजेशन कर रहे हैं, उसमें चीज़ें जो है उसको हल्की कर रहे हैं, जो जितना मथते हैं वो हल्की, हमारे यहाँ कहा गया मर्दनम गुणवर्धनम, जितना हम उसको घोटेंगे उसमें उसके गुण जो है उतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मथनी से जितना मथते हैं उतना हल्का होता जाता है, और पानी भी मिला देते हैं तो छाछ में तो जितना पानी मिला दो, और गर्मी में पानी ज़्यादा मिलाओ दही कम रहे वो ज़्यादा अच्छा है, इजीली डाइजेस्टेबल है।